हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हेल्थी नाश्ता, जिसके लिए मैंने दाल ले ली है और इसको मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो दी थी। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी जार में। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी अभी, और पानी हमें बाद में ऐड करना है। तो गाइस, ये ग्राइंड कर लिया है मैंने, ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाया है, इस तरीके का पेस्ट बनाया है, बारीकी पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 चम्मच, 3 बड़े चम्मच जिससे हम सब्ज़ी बनाते हैं, वो सूजी। तो मैंने मोटी वाली सूजी ली है, ये 2 चम्मच, 3 चम्मच, इसी से हम सब्ज़ी बनाते हैं, वही चम्मच है ये। अब हम ऐड करेंगे इसमें कसी हुई गाजर। अब ऐड करेंगे शिमला मिर्च। अब ऐड करेंगे हम कसी हुई पत्ता गोभी। अब ऐड करेंगे हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब ऐड करेंगे हम कड़ी पत्ते, जिनको मैं बारीक कट कर लूँगी। अब हम ऐड करेंगे इसमें दही, और दही मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, गाढ़ा दही है बिल्कुल, और खट्टा भी नहीं है, हमको ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है। अब मैं ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। अब हम ऐड कर रहे हैं हल्दी, रेड मिर्ची। अब इन सबको मैं अच्छे से मिला लूँगी। अभी हम पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने दाल का पेस्ट बनाया वो भी पतला है, और इसमें दही भी ऐड किया है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही पहले अच्छे से मिला लूँगी, बाद में हम पानी ऐड करेंगे, उससे मालूम हो जाएगा कि कितना पानी ऐड करना है। तो मैंने इस तरीके से इसको अच्छे से मिला लिया है। करीब मैंने इसको 1-1.5 मिनट तक इसको ऐसे ही मिलाया है। इससे क्या, हमारी सूजी और दाल और जितना भी हमने वेजिटेबल्स डाले हैं वो अच्छे से मिल जाएंगे, और एक अच्छा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ में ऐड कर देंगे तो ज़्यादा पतला हो जाएगा। हमें थोड़ा ऐड और कर रही हूँ पानी, मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी अभी और भी। तो गाइस, हमारा पेस्ट अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको करीब 10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी, जिससे क्या, हमारी सूजी अच्छे से फूल लेगी और अच्छे से सभी में मिक्स हो जाएगी। अब 10 मिनट हो गया है, अब हम देखते हैं। तो हमारा बैटर पूरी तरीके से तैयार है, और इसमें इस तरीके से लम्स पड़ने लग गई है, थोड़ा अलग ही दिख रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा, जो खाने में यूज करते हैं हम, वही सोडा है। इसको मैं अच्छे से और मिला दूंगी। आप चाहे तो इनो खाने वाला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कटोरी ले ली है, इस तरीके से मैं 6 कटोरी ले लूँगी, और सभी पे ऐसे घी लगा लूँगी। सभी पे घी लगा दिया, अब मैं इनमें बैटर डाल दूँगी। बैटर हमें ज़्यादा नहीं डालना है, आधा ही डालना है, क्योंकि फूल के ऊपर आ जाएगा, इसलिए। सभी में मैंने डाल दिया बैटर। अब हम लेंगे एक चलनी, 3 मिनट चलनी लिए, इसके अंदर मैं इन सब कटोरियों को रख दूंगी। अभी हमें
कटोरी को रखने के बाद में इसमें और डेकोरेशन करना थोड़ा। उसके ऊपर हम कुटी हुई लाल मिर्ची मोटी वाली और तिल और काजू डालेंगे। उससे क्या है बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और अच्छा भी लगेगा देखने में। इधर मैंने भगोनी रख दिया इसमें पानी गर्म करने के लिए। इसके ऊपर मैंने चलनी रख दी है। अब इनको मैं गाइस इन्हें हम अब हम ढक देंगे करीब 10 मिनट के लिए। बीच में नहीं देखेंगे, 10 मिनट के बाद में ही देखेंगे कि कैसे बने। अब हम दूसरी कटोरी में इसी तरीके से भर लिया है हमने बैटर को और इनके ऊपर मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची डाल दी है। ये तिल है इनको भी ऐड कर रही हूँ मैं। तो सभी में ऐसे तिल ऐड करेंगे हम। तिल से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और देखने में बहुत अच्छा लगेगा हमारा नाश्ता। अब मैं काजू ऐड कर रही हूँ और इनको भी मैं इसी तरीके से भगोनी के ऊपर रख दूँगी चलनी में रखकर। हम पहले रखे उनको देख लेते हैं कैसे बनाए। तो गाइस ये पहले वाले हैं जो मैंने पहले ही रख दिए थे और मैंने इसमें कुटी हुई मिर्ची काजू रखने के बाद में ऐड की थी जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाई। ये बन के हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इनको ठंडा होने के बाद में निकाल लूँगी। इधर मैंने दूसरा भी बन गया है मेरा जो मैंने बाद में रखे थे। तो नाश्ता मेरा पूरा अच्छे से बन गया है। हम चेक कर लेते हैं इस तरह की सीख में तो बिल्कुल भी नहीं चिपका है, अंदर चिपक के नहीं आया कुछ भी। तो हमारा नाश्ता बराबर तैयार है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये ठंडा हो गया है अब मैं निकाल के बताती हूँ। मैं इस तरीके से चाकू से चारों तरफ से इसे कट कर दूँगी और ये अच्छे से निकल के आ जाएगा फिर। तो गाइस ये अच्छे से निकल गया है और देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं चिपका पीछे की तरफ भी। और इसमें बिल्कुल तेल घी कुछ भी ऐड नहीं किया अपन ने, सिर्फ कटोरी में ही लगाया इतना सा। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और 10-15 मिनट में बनके तैयार हो जाता है ये नाश्ता। तो मैंने सभी नाश्ते को इसी तरीके से निकाल लिया है। हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया। तो गाइस इसे हम टमाटर सॉस, हरी चटनी, नारियल की चटनी किसी से भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें मिर्ची वगैरह सब डाली है मैंने, तो ऐसे भी टेस्ट लगता है। और इसको तलने की ज़रूरत भी नहीं है कि भाई वापस इसे फ्राई करें, और हम चाहे तो फ्राई भी कर सकते हो लेकिन मैंने फ्राई नहीं किया क्योंकि ये ऐसे ही बहुत ही अच्छा बनाए और बिल्कुल सॉफ्ट नाश्ता बनाए। तो मेरा नाश्ता तैयार है। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।